Hey friends, welcome back to my channel. Today in this video we are going to see a computer network topic CSMA CD, मतलब carrier sense multiple access जो है collision detection. तो basically मैं समझा देता हूँ क्या होता है. पहले थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी क्या है इसका. इन दिस अ स्टेशन मोनिटर अ मीडियम ऑफ्टन आफ्टर इट सेंड द फ्रेम टू सी इफ द ट्रांजिशन वॉज सक्सेसफुली. इफ सो द स्टेशन इज फिनिश्ड वर्क एज इफ देयर इज अ कोलिजन द फ्रेम इज सेंड अगेन. यानी कोई स्टेशन नेटवर्क पे कोई डाटा सेंड करता है फ्रेम के रूप में, तो क्या करता है वो पहले मीडियम को सेस करता है भी क्या है, वो चेक करता है. अगर वो फ्री होता है, जो अगर फ्री होता है तो क्या करेगा, सेंड करेगा फ्रेम को. और अगर फ्रेम्स से लिखा हुआ है इफ़ द ट्रांजेक्शन वॉज सक्सेसफुल, अगर ट्रांजेक्शन वो सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या होगा, उसका मतलब ये है कि स्टेशन अपना वर्क फिनिश कर दिया स्टेशन ने. और नहीं, एज इफ कोलिजन, कोई कोलिजन हुआ है. आखिर कोलिजन क्या समझ लेते हैं. मान लीजिए चार चैनल हैं ए बी सी डी, ये टाइम गिवन है. क्या हुआ, टाइम किसी टाइम टी वन पर जो चैनल ए है वो डाटा सेंड करता है और वो डी को टाइम टी पर रिसीव भी हो गया. यहाँ पर सी ने भी देखना चैनल को सेंस किया, तो उसको यहाँ पे जो टाइम टी टू होगा कोई और स्टेशन नहीं मिलेगा भी डाटा सेंड कर रहा है, वो क्या करेगा, डाटा सेंड करेगा. टी टू पर डाटा सेंड किया, डी को टी थ्री पर मिल गया सक्सेसफुली, ये हुआ. दूसरा उसने कर दिया ए को, तो वो कब जा रहा है, टी फाइव पर. तो ये बीच में कोलिजन हो रहा है. अब देखो क्या होता है, हर डाटा सेंड होने के बाद ये क्या करता है, एक्नॉलेज में जाती है अभी डाटा सेंड हो गया है, सॉरी. तो यहाँ से तो एक्नॉलेज में चली गई है इसको कि हाँ यहाँ डाटा सेंड हो चुका है, पर यहाँ टी वन को अभी तक एक्नॉलेज नहीं गई, मेंट नहीं गई है फोर तक. तो क्या होगा, जो सी होगा वो कब सेंस करेगा कि कोई और चैनल डाटा सेंड कर रहा है, कब, जब टी फाइव होगा. या फिर क्या करेगा, ए जो होगा वो क्या करेगा, सेंस करेगा यहाँ टी थ्री के पास करेगा भी यहाँ कोई और चैनल डाटा सेंड कर रहा है. तो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सभी चैनलों को कि हाँ कोई डाटा सेंड हो रहा है, अभी कोई सेंड मत करना. उसके बाद क्या होगा, कोई एक ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएगी, उसके बाद दोबारा रिस्टार्ट होगा. तो चलो इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फ्लो चार्ट कैसे करना है इसका. तो मान लो हमने स्टार्ट किया ट्रांजेक्शन, चैनल ने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या करेगा, बैक ऑफ होता है यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट, उसको हम बैक ऑफ लेते हैं, इसको हमने के से डिनोट करते हैं. तो हम बैक ऑफ को सेट कर देंगे इक्वल टू जीरो. बैक ऑफ जीरो करने के क्या बाद क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे हम वन ऑफ परिस्टेंस मेथड, कोई एक प्रेसिडेंट मेथड यूज करेंगे. मिस बेसिकली होते क्या है, ये जो प्रेसिडेंस मेथड तीन तरह के होते हैं, एक होता है नॉन प्रेसिडेंस, एक होता है वन प्रेसिडेंस और दूसरा होता है पी प्रेसिडेंस. नॉन प्रेसिडेंस में क्या होता है कि वो एक फिक्स अमाउंट तक वेट करता है, वो यहाँ पर आएगा, वो मैं तुम्हें आपको बाद में समझाऊंगा. मतलब इन तीनों में से कोई एक स्ट्रेटेजी को यूज करेगा, मैं बाद में इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या है ये. हमने कोई एक प्रेसिडेंस मेथड यूज़ किया, उसके बाद क्या चेक होता है कि ट्रांजिशन ख़त्म हो गया, यानी यहाँ पर हमने डाटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया है, चलो हमें फ्री मिल गया है. तब देखते हैं वो क्या करता है, ट्रांजिशन स्टार्ट करता है. तो यहाँ देखते हैं ट्रांजिशन डन हुआ चेक होता है, और या फिर होता है प्रेसिडेंस मेथड अप्लाई, ओहो सॉरी कोलिजन हुआ कोई, या तो ट्रांजिशन डन होगा या फिर कोलिजन हो जाएगा, यही दो केस बनते हैं. अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि देखो एक मैसेज फ्रेम के रूप में होता है छोटे छोटे, तो मान लो पांच फ्रेम है,
तो जब पांचों फ्रेम चले जाएंगे फिर ट्रांजिशन डन होगा ना। मान लो एक चला गया, अभी बाकी जाने हैं, इसलिए कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा ट्रांजिशन डन नहीं होगा और कोलिजन भी नहीं है, तो नो होगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। वो ट्रांजिट करेगा अगेन एंड अगेन, यानी ये लूप चलती रहेगी कब तक, जब तक ट्रांजिशन डन ना हो जाए या फिर कुलिजन आ जाए। और मान लो इनमें से कुछ भी हुआ, जब ट्रांजिशन डन हुआ या कुलिजन हुआ, अगर मान लो ट्रांजिशन डन हुआ तो यस, इन ये अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, यहाँ चेक होगा कुलिजन भी, कुलिजन तो नहीं हुई, क्यों भाई, हमें तो यहाँ पता नहीं क्या हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है या कुलिजन हुआ है, तो हम इसे लूप चलाते हैं। अब यहाँ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम चेक कर रहे हैं इनमें से ट्रांजेक्शन डन हुआ है, सॉरी कुलिजन हुआ है। अगर कुलिजन नहीं हुआ है, यानी अगर यहाँ पर कुलिजन नहीं हुआ तो ट्रांजेक्शन डन हुआ है, तो ट्रांजेक्शन डन हुआ तो क्या हुआ, हमारा सक्सेस हो गया। और अगर कुलिजन हुआ है तो यह क्या करेगा, सेंड करेगा जैम सिग्नल। ये क्या करेगा, सभी चैनलों को जैमिंग सिग्नल सेंड कर देगा कि नहीं यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, तो आप सेंड करना बंद कर दो। उसके बाद क्या करेगा, जो बैक ऑफ हमने केस सेट किया था 0, उसको एक इंक्रीमेंट कर देगा। उसके बाद क्या चेक करेगा, जो बैक ऑफ है के, वो क्या है, ग्रेटर देन है के मैक्स से, यानी के मैक्स क्या है, असल में के मैक्स है बैक ऑफ हमने सेट किया है, कोई चैनल कितनी बार अटैम्प्ट करेगा। मान लो हमने सेट कर दिया 3 बार अटैम्प्ट करेगा, तो 3 बार अटैम्प्ट करेगा मतलब क्या है, यहाँ पर आएगा कोलिजन हुआ, के को इंक्रीमेंट किया, यहाँ पर चेक किया उसने, अगर एक पहली बार किया, ये के मैक्स से कम था क्योंकि के मैक्स की वैल्यू हमारी 3 थी और के अभी 1 है, तो क्या करे, ये आगे रन करेगा, फिर दोबारा 3 बार, अगर मान लो तीसरी बार अगर भी हो गया, गलत हो गया, अगर 3 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम अटैम्प्ट हो चुका है, यानी आपका किसी प्रेसिडेंस जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें कुछ गलती है या फिर हमारे फ्रेम गलत है, तो ये इतना ही चेक करता है। और अगर ये के मैक्स के से बड़ा हो गया के, तो क्या क्या अबॉर्ट कर देगा, ये कर देगा नहीं भाई, हम नहीं, आप नहीं भेज सकते, आपके पैकेट में कुछ प्रॉब्लम है। अगर मान लो ये के मैक्स से ज़्यादा मतलब कम हुआ, तो क्या करेगा, नो, यस, अगर यस के मैक्स से ज़्यादा है और नो के मैक्स से कम है, तो क्या करेगा, ये चूज करेगा कोई भी रेंडम आर, बिटवीन 0 to के मैन 0 to 1, ये कुछ टाइम के लिए वेट करेगा, तो ये टाइम वेट करके क्या करेगा भाई, कहेगा हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके बाद दोबारा फिर सेंस करेंगे, ये यहाँ से मतलब यहाँ से कोई टाइम कुछ भी रेंडम आर चूज करेगा, 0 से 2 के स्केयर -1 तक होगा, ये के की वैल्यू के स्केयर से -1 तक कुछ भी चूज कर सकता है। चूज करने के बाद क्या करेगा, वेट करेगा, फॉर वेट फॉर TV टाइम, कुछ टाइम के लिए वेट करेगा, जहाँ पर ये जो TV है, TB इक्वल टू होगा R इंटू TP, R के साथ ट्रांजिशन पैकेट जो है उससे मल्टीप्लाई करके होगा। तो अगर वेट करके, वेट करने के बाद ये दोबारा से यही प्रेसिडेंस मेथड पे आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो नॉन प्रेसिडेंस मेथड है वो तो यहाँ वेट करता है कुछ टाइम के लिए, TB टाइम के लिए, पर जो 1 प्रेसिडेंस है वो क्या करेगा, वेट नहीं करेगा, वहाँ पर वेट नहीं करेगा, वो सीधा यहाँ से सीधा यहाँ पर चला जाएगा कंट्रोल। तो ये असल में था जो CSMA CD का कंसेप्ट था, फ्लो चार्ट, भी किस तरह से पैकेट मूव करता है, कोलिजन डिटेक्टर कर इसे पता चलता है सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहूँ। थैंक यू।